जय जगन्नाथ, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता है। इसे आप टिफिन में बना के बच्चों को दे सकते हैं, शाम के वक्त आप चाय के साथ भी ले सकते हैं। अगर जोर से भूख लगी है तो इसे भी बना के आप खा सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है मूँग दाल 1 कप, इसे हम भिगोएंगे। तो इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद हम ले लेंगे सूजी 1 कप, इसे भी हम सक करने के लिए पानी डाल के रख देंगे। तो चलिए, ये दोनों को मैंने पानी डाल के रख दिया है। तो अब देखिए, ये आधा घंटे के बाद ये मूंग दाल हमारा अच्छे से फूल गया है और ये सूजी भी अच्छे से फूल गया है। तो चलिए इसे वॉश कर लेते हैं। तो इसे 3-4 बार धोने के बाद ये देखिए कितना साफ़ हो गया है। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो इसे जार में डाल लेते हैं। तो चलिए, इसे मैंने डाल दिया है जार में और अब हम सिर्फ 2 मिर्च लेंगे। तो चलिए इसे ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए, ये मैंने ग्राइंड कर दिया है, ये पेस्ट हमारा बनके तैयार हो गया है। अब ये जो सूजी था तो इसे ऊपर से धीरे धीरे करके आप पानी को निकाल लीजिए, अच्छे से निकल जाएगा पानी, सूजी नीचे बैठ जाएगा। तो चलिए पानी को फेंक देते हैं और इसे ले लेते हैं। अब यहाँ हम एक बाउल लेंगे, इसमें ये जो मूंग दाल हमने पेस्ट बना के रखा था उसे डाल देंगे। अब हम इसमें सूजी को भी डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच। उसके बाद इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए इसे साइड में रख देते हैं। यहाँ मैंने लिया है 2 उबाले हुए आलू। चलिए इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं। तो देखिए, ये आलू हमारा कद्दूकस हो गया है। तो यह मैंने लिया है आलू और ये प्याज और ये शिमला मिर्च और ये हरी मिर्च और ये अदरक, ये सबको मैंने काट के रखा है। आप चाहे तो जो भी आपके पास सब्जी है उसे आप डाल सकते हैं। और यहाँ पैन गरम करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा तेल डालेंगे, तेल में थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। उसके बाद ये जो अदरक मैंने कूट के रखा था उसे भी डाल देंगे और ये हरी मिर्च को डाल देंगे। उसके बाद ये अनियन डाल देंगे, ये ओनियन थोड़ा ही होने के बाद यहाँ डाल देंगे थोड़ा सा शिमला मिर्च रेड कलर का। तो अब हम डाल देंगे आलू जो हमने कद्दूकस करके रखा था। आप यहाँ चाहे तो हरी मटर या आप गाजर, जो भी कुछ आपके पास है आप ले सकते हैं। और यहाँ मैंने डाला लाल मिर्च और ये थोड़ा सा धनिया पाउडर और ये हल्दी और नमक, ये सब डाल दीजिए। उसे अच्छे से मिक्स करिए। और यहाँ मैंने डाला है गरम मसाला और ये थोड़ा सा हरी चाट मसाला, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद चलिए इसे गैस ऑफ करके निकाल लेते हैं। अब चलिए, बैटर हमारा हो गया है तो इसे हम साइड में रख देते हैं। इसमें थोड़ा सा ही तेल डाल देंगे। तेल थोड़ा गर्म होने के बाद यहाँ ये जो हमने बैटर बना के रखा था उसे फैला लेंगे। चारों तरफ से आप फैला लीजिए। अब हम उसके ऊपर ये जो आलू के मसाला बना के रखा था उसे हम डाल देंगे। ये सब देने के बाद उसके ऊपर हम फिर से उस मिश्रण का अच्छे से उसके ऊपर फैला लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से ऊपर मैंने फैला लिया। अब हम ढक्कन दे देंगे करीब 5 मिनट के लिए। तो चलिए, एक साइड हो गया है, उसे उलट पलट कर लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छा कलर आया है और बहुत भी टेस्टी लग रहा है। ये बिल्कुल पैन केक की तरह दिख रहा है और खाने में भी बहुत टेस्ट है। आप ज़रूर ट्राई करना।
तो यहाँ आप चाहे तो जो भी आपके पास वेजिटेबल्स है आप डाल के यहाँ बना सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छा कलर आया है, बहुत भी टेस्टी लग रहा है, आप ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको जोरों की भूख लगी है तो आप इसे बना के झटपट से बना के आप इसे खा सकते हैं। एक दो खा लीजिए, आपका पेट भर जाएगा। और आपने देखा कि मैंने घर के चीज़ों से कितने अच्छे तरीके से बना लिया है, घर पे जो कुछ था मैंने उसी से बनाया है। ये ज़्यादा कुछ सामान नहीं लगेगा उसमें, हमारे पास जो कुछ है घर पे उसी से ये बन जाएगा आसान तरीके से। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट दीजिए और लाइक भी कीजिए।